वज़ीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर आपके कितने INR में फंड्स पड़े हैं या फिर वापस मिले या नहीं, इसको लेकर एक और नया अपडेट आ चुका है और ये भी डायरेक्टली निश्चित शेट्टी के द्वारा आया है, जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो अभी सब कुछ जीरो ही दिख रहा है, यानी कि ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है, उसी तरीके से बंद है, कोई अपडेट हमें एक्सचेंज के ऊपर नहीं दिख रहा है, ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है, INR में कुछ भी वापस नहीं दिख रहा है। इसी के साथ coingabbar.com के ऊपर जाते हैं तो कुछ भी अभी भी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में अपडेट क्या आया वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ नहीं आई है, क्रिप्टो रेगुलेशंस जो आने वाले हैं सितंबर महीने के अंदर, यानी कि अगस्त महीना खत्म होने वाला है, सितंबर में ही कुछ नए, सितंबर अक्टूबर में आने वाले नए रेगुलेशंस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वॉफ्टेड पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो INR फंड्स को लेकर मैंने आपको कल भी एक अपडेट दिया था, लेकिन आज का जो अपडेट है वो आपके साथ और थोड़ा डिटेल में शेयर करता हूँ। तो अभी भी सिर्फ यही बोला जा रहा है कि वज़ीरेक्स इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी ऑन INR एंड क्रिप्टो नेक्स्ट स्टेप्स टुमारो, यानी कि अब पूरी उम्मीद बन रही है कि कल के दिन यानी कि 23 तारीख को यहाँ पे हो सकता है कि हमें ये फंड्स वापस मिल जाए या क्लैरिटी मिल जाए कि ये फंड्स कहाँ गए। तो अभी तक इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि ये अपडेट करना चाहते हैं सभी को कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, लेकिन कोई नया स्टेप बताया नहीं गया जो कि हमें एक्चुअल में 23 तारीख को यानी कि अगले दिन पता चल जाएगा। तो निश्चल शेट्टी जी ने यहाँ पे एक और ट्वीट डाला है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि मेनली क्लैरिटी के ऊपर होने वाला है और इसी के साथ थेफ्ट को कैसे मिनिमाइज करने वाले हैं। और इनका यहाँ पे कहना ये है कि एक नई वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, मोर एडेड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, स्टोलन फंड्स की ट्रेसिंग के ऊपर, रिकवरी के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, बाउंटी प्रोग्राम चल रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि जिन्होंने ये स्टील किया है उनको ढूंढा जाए। जो कि लिमिनल है उन्होंने तो साफ मना कर दिया है, लेकिन 5 जो कीस इनके खुद की थी, इनके खुद के टीम मेंबर्स के पास थी, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं आया, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि कोई भी हो सकता है, खुद के टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर लिमिनल जो एक कस्टोडियन था वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलावा भी कोई ना कोई रीज़न हो कि क्यों या किस तरीके से हैक हो गए। अब इसी के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो 1.5 महीना हो चुका है, कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं हमें देखने को मिला है, क्योंकि 1.5 महीने में कुछ ना कुछ रिकवरी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का अगर हम क्रिप्टो फेस देखें तो वो वज़ीरेक्स ही है, निश्चल शेट्टी जी हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत बड़ी करी थी और इन्हीं के भरोसे हम क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे थे वज़ीरेक्स के ऊपर या फिर वज़ीरेक्स के ऊपर फंड्स रख के बैठे थे, चाहे वो INR में है चाहे वो क्रिप्टो में है। लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई खास अपडेट नहीं आता है या फिर अगर ये इस चीज़ को नहीं संभाल पाते हैं इस बुरे दौर में, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आकर फेल हो जाए इस क्रिप्टो मार्केट में, खासकर इंडिया में। तो इसके ऊपर काम तो चल ही रहा है, लेकिन यही एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये भी बन गया है कि क्यों हमें क्रिप्टो रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है तो हमेशा सुनवाई होती है या फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करके सॉल्यूशंस निकाल करके लाती है, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशंस ना होने की वजह से ये सब चल रहा है। लेकिन आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि गवर्नमेंट 30% टैक्स, 1% TDS को कलेक्ट कर रही है, लेकिन इस दौरान जब ऐसा बुरा वक्त आता है तो उस वक्त गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं खड़ी है हमें हेल्प करने के लिए, ना ही इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को या फिर इस एक्सचेंज को हेल्प करने के लिए कुछ भी करने वाली है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि शायद बाइनेंस के ऊपर भी ये ब्लेम लगा कि बाइनेंस ने ये सब किया हो, बाइनेंस के हाथ में भी बहुत कुछ था, बाइनेंस भी इसका एक मेन रीज़न बन सकता है। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो यही है कि कस्टोडियन की गलती हमेशा हो सकती है, कस्टोडियन की वजह से ये हुआ हो। अब इसी चीज़ को लेकर क्या है कि इंडिया के क्रिप्टो रेगुलेशंस आने वाली हैं जो कि बहुत ही क्रूशली यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जो सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर आएंगी, तो स्टेक होल्डर्स के इनपुट लिए जा रहे हैं पॉलिसी रिफाइनमेंट के लिए, यानी कि स्टेक होल्डर्स का मतलब हम इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट होल्डर्स हैं जस्ट स्टार्टअप्स करने वाले हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इनपुट्स लिए जाएंगे ताकि एक नया क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए कंट्री के लिए। और यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि ये जो मूव आया ये सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि जो लार्जेस्ट लोकल एक्सचेंज वज़ीरेक्स है उनका बहुत बड़ा हैक हुआ है और इसी को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये प्रिपेयर किया जा रहा है, एक कंसल्टेशन पेपर बनाया जा रहा है जो कि सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर शो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने शायद टैक्सेस को लेकर भी हमारा कभी ध्यान नहीं रखा है, चाहे वो एक आम जनता के लिए क्यों ना हो, चाहे हम क्रिप्टो वालों की बात कर लें तो उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट हमें नहीं देखने को मिला है, ऑल शी नीड्स इज जस्ट द टैक्सेस, कि वो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं।
इन्होंने कहा है कि हम सभी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो रेगुलेशंस चाहती हैं, ऐसी रेगुलेशंस लाना चाहती जो कि बिल्कुल सिमिलर हों, ग्लोबली हर एक के द्वारा एक्सेप्ट करी जाएं। तो ये जो DEA का पेपर आने वाला है, इससे क्या है कि अभी इंसाइट्स एंड ओपिनियंस लिए जाएंगे ताकि बताए देखा जाए कि किस तरीके से इफेक्टिवली क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी काम किया जाएगा वो स्टेक होल्डर्स के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि अगेंस्ट भी किया जा सकता है, अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंजेस, अगेंस्ट फॉरेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उनकी तरफ से एक्चुअल में कोई खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर काम करने वाले हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जो SEBI है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चाहते हैं कि सारी क्रिप्टो एक्टिविटीज़ चलें, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें RBI की, तो वो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं या फिर वो क्रिप्टो को अलाउ नहीं करना चाहते कि इंडिया में क्रिप्टो चलें। अब ज़ीरेक्स का $230 मिलियन का हैक हुआ है। अब इसके सामने एक चीज़ आपको ये भी दिख रही होगी, ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्यों चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हैक्स किए जा रहे हैं। इससे क्या कि गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है इंडिया के इन्वेस्टर्स को, क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स को, कि आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो आपका लॉस कभी भी हो सकता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होने वाली, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देने वाली। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है गवर्नमेंट का हमें ये बताने का कि वो सपोर्ट तो नहीं करने वाले, लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स कमाते हैं तो उसमें से ये हमेशा TDS और टैक्स लेने ही वाले हैं। तो इस दौरान क्या है कि अगर वज़ीरेक्स जैसी एक्सचेंज या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर इसको सपोर्ट मिल जाती है चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे बाइनेंस, जो एक समय पे बाइनेंस ओन्ड वज़ीरेक्स बोला जाता था, अगर बाइनेंस इसमें सपोर्ट कर देता है तो बहुत बड़ी यूनिटी दिखेगी ग्लोबली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की या फिर ग्लोबली क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ पे चला जा सकता है। अभी आपको क्या दिखना शुरू है, यानी कि आपके INR बैलेंसेस दिखने शुरू हुए हैं या नहीं, कितना दिख रहा है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे, कुछ लोगों का INR दिख रहा है लेकिन वो प्रोपोर्शनली दिख रहा है, यानी कि अगर 500 था तो 500 में से उनको 100-150 ही दिख रहा है। आपको कितना दिख रहा है एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वज़ीरेक्स को लेकर आपका क्या कहना है ये भी नीचे कमेंट करें। और इसी के साथ जहां तक मुझे लगता है बाइनेंस अभी वापस आ रहे हैं, तो बाइनेंस पूरी मार्केट लेने वाला है। बाइनेंस के ऊपर जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं वो शायद हमें कोई भी और क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस नहीं देने वाला अभी तक भी। अगर आपने साइन अप नहीं किया बाइनेंस के ऊपर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्चुअल में आने वाला नहीं है बल्कि आ ही चुका है। आने वाली चीज़ यह है कि यहाँ पर TDS लगना शुरू हो जाएगा या फिर टैक्सेस कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर डायरेक्टली। अभी बाइनेंस के ऊपर 2 लॉन्च पूल्स चल रहे हैं, जो कि डॉक्स का चल रहा है जो कि 7-8 घंटे में शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ साथ टॉन कॉइन का चल रहा है जहां पे आप अपना FDSD स्टे कर सकते हैं, BNB स्टे कर सकते हैं, और उसी स्टेकिंग से आपको यहां पे कई सारे फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारी इंडियन एक्सचेंज की करती है, तो शायद हमें बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर TDS तो चलो कट ही रहे, लेकिन इसी के साथ अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लॉन्च पूल लॉन्च पैड के ऊपर जाते हैं, तो वहां से भी ये टैक्सेस काटने की कोशिश कर रहे हैं। यही करने के इंडियन एक्सचेंजेस को सपोर्ट बहुत बड़ा नहीं मिल रहा है इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के द्वारा। आपके क्या मानना है नीचे कमेंट जरूर करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल के दबा दीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।